तो यूट्यूबर एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच जो लड़ाई हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, वो आपने भी देखा होगा, जिसमें दोनों एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भाईचारा ऑन टॉप लिखकर कैप्शन के साथ सागर ठाकुर के साथ एक फोटो पोस्ट किया है। और इस फोटो के बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वो अब खत्म हो गई है और हम पहले की तरह ही वापस से दोस्त हैं। पहले की तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एल्विश यादव और सागर ठाकुर जो है वो पहले से ही दोस्त थे, वो पहले भी कई बार मिलते रहे हैं। लेकिन एक मुनव्वर फारूकी के साथ एल्विश यादव की वीडियो के बाद जो सागर ठाकुर ने वीडियो बनाया था, उस पर पिछले लंबे समय से विवाद हो रहा था और इस विवाद के बाद ही एल्विश यादव ने सागर ठाकुर के यहाँ पहुंचकर उनसे मारपीट की थी। सागर ठाकुर ने एल्विश यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और उसके बाद ये मामला लगातार कल से ही तूल पकड़ रहा था और ये उनका जो मारपीट वाला वीडियो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा था। इसके बाद एल्विश यादव ने सफाई भी दी थी कि सागर ठाकुर जो है वो साजिश के तहत इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा रहा है, ये जो स्टोरी का एक साइड है, जबकि दूसरा साइड ये है कि मुझको बहुत लंबे टाइम से प्रोवो किया जा रहा था और एल्विश यादव ने भी एक 13 मिनट का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। इनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो इनको मिलाने की कोशिश कर रहे थे और शाम 6 बजे मिलने का वक्त तय हुआ था। उसके बाद ये फोटो पोस्ट हुई है, दोनों शाम को 6 बजे मिले, उसके बाद क्या बात हुई ये तो नहीं पता लगा। लेकिन सागर ठाकुर के साथ एल्विश यादव ने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें भाईचारा ऑन टॉप उन्होंने लिखा है और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि घर में दो बर्तन होंगे तो वो आपस में तो टकराएंगे ही और वापस से उसके आगे लिखा है भाईचारा ऑन टॉप। तो हो सकता है भले एल्विश यादव को ये लगता है कि उनसे जो गलती हुई है उसको उन्होंने मान लिया और अंदर उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं, लेकिन सागर कैसे माने या एल्विश ने उनको कैसे मनाया, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और हो सकता है इसको लेकर वो जल्दी कोई नया वीडियो भी जारी करें जिसके बाद ये पूरा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। We'll be right back.